मसाले वाले नमक पारे, चटपटे नमक पारे। अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सभी को होली की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से मैं लेके आ गई हूँ अपने इस ब्लॉग में होली के लिए कुछ चटपटे से स्नैक्स और कुछ मीठे से आइटम जो कि मैंने घर पे बनाए हैं, वो भी एकदम मार्केट स्टाइल में। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगती है, और जो हमारे स्नैक्स होते हैं, हमारी जो मेहनत होती है, हम बहुत टाइम लगा के कुछ चीज़ बनाते हैं, वो एकदम परफेक्ट बन जाता है। तो जो भी डिश पसंद आए उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, और जो टिप्स हैं उनको अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपके भी स्नैक्स बहुत अच्छे बनेंगे और घर पे सब कोई बहुत खुश होके खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपीज़। होली में मीठे के साथ साथ चटपटी रेसिपीज़ को भी बहुत पसंद किया जाता है, तो फटाफट से बनने वाली एक चटपटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको कि कहते हैं दही फुल्की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हरी मिर्च, लहसुन और 1.5 चम्मच जीरा, उसको दरदरा सा पीस लिया है, और 150 से 200 ग्राम के करीब मैं बेसन ले रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ये जो मैं हमने पेस्ट बनाया है, इसको हम हाफ इसमें डालेंगे बेसन में, और हाफ को रख देंगे जो कि दही में यूज होगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि दही में भी नमक जाएगा, और एक पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा, जिससे ये फूले फूले से फ्लपी से बनेंगे, और कलर अच्छा लाने के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे, और इसका थिक सा घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद इसको ढक के कुछ टाइम के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और जब इसकी बरियाँ हम डालेंगे ना तेल में, तो फ्लेम एकदम लो रहना चाहिए, तभी गोल गोल सी बरियाँ बनती हैं, अदरवाइज इसका शेप बिगड़ जाता है। और 2 मिनट लो फ्लेम पे तलने के बाद बीच में 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करेंगे, जिससे ये गोल्डन सा कलर आ जाए, और उसके बाद फिर से लो फ्लेम पे इसको पूरी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी गोल गोल सी बरियां बन के रेडी हुई हैं, और एकदम गोल्डन कलर होने तक इसको तलना है, पीले पीले हल्के में ही ना निकालने, अदरवाइज ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब इसके लिए हम रेडी कर लेते हैं दही। तो दही मैंने ले ली है, 200 ग्राम के करीब दही है। अब इसमें जो ये हमने ग्राइंड करके रखा था लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट, उसको हम डाल देंगे अच्छी तरह से धो के, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, जिससे इसका कलर आएगा काला नमक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी जीरे का पाउडर या ऐसा कुछ नहीं डाला है, बस यही नमक और काली मिर्च डाल के, देन आपको इसको थोड़ा सा पतला करना है इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब इसमें ये फुल्कियाँ जाएंगी तो ये दही को सोख लेंगी, इसलिए ये थोड़ा सा पतला होना ज़रूरी है। अब जो फुल्कियाँ हमने रखी थी उसको थोड़ा सा हम ठंडा हो जाने देंगे, ठंडा होने के बाद ही पहले इसको डालेंगे नॉर्मल से पानी में, और देन उसमें 2 मिनट पड़े रहने देंगे, फिर उसको 2 मिनट बाद निकाल के डाल देंगे ये दही वाले बैटर में, और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, और फाइनल टच देंगे हम इसको जीरे, लाल मिर्च और सरसों के तड़के के साथ। अगर आपके पास करी पत्ता है तो करी लीव्स भी आप डाल सकते हैं, और ये हमारी दही फुल्की बनके रेडी हो गई है, इस होली में ज़रूर बनाएं। दही फुल्की तो बनके रेडी हो गई है, तो आगे चलिए बना लेते हैं गुजिया का डो। तो गुजिया के डो के लिए मैंने ले लिया है 1/2 किलो मैदा, और उसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, और डालूँगी 50 ग्राम के करीब मोयन, और इन सबको अच्छे से मिला के थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते हुए हम एक सख्त सा डो बना लेंगे। तो ये लग गया है गुजिया का आटा, और ये आज और थोड़ा सा मट्टियाँ बनाऊंगी तो उसका आटा है जो शेप कटर है उससे कट करके
देन ये मैं लगा रही हूँ मेथी वाली जो मट्ठियाँ होती हैं ना उसके लिए दो बना रही हूँ। तो उसमें देखिए क्या क्या लेंगे। पहले तो थोड़ा सा मैदा ले लिया है मैंने। देन इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जितना भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो ये सॉल्ट डाल दिया मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं हर डो में डाली हूँ, इसमें गुजिया में भी डाली हूँ, इस मट्ठी में भी डाली हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और आपको ज़्यादा मोयन नहीं डालना पड़ता है। और ये इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। आपको हल्का रखना है तो हल्का भी डाल सकते हैं, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा मोयन है, इसको हम अब बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। इसमें मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं अलग टेस्ट का बना रही हूँ। आपको अगर अजवाइन डालना है तो आप लोग अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो इसको हम बढ़िया तरीके से पहले तो ऐसे हाथ से मिला लेंगे ताकि पूरे मैदे में मोयन मिल जाए। देन हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। इसको ज़्यादा आपको मसल मसल के नहीं गूंथना है, बस हल्का हल्का सा बाइंडिंग करना है कि सारा जो आपका डो है बस एक साथ हो जाए, तभी आपके जो मट्ठियाँ हो या किसी भी टाइप की मट्ठियाँ हो तभी उसमें लेयर्स आता है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा पानी देंगे और इसको एक साथ कर लेंगे इस तरह से, एकदम मसलना नहीं है। तो ये रेडी हो गया है सारे टाइप का डो। अब इसको हम गीले कपड़े से ढक के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, देन इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे गुजिया की भी तैयारी हो गई है। ये मैंने अभी भून लिया है मावा, जो कि 250 ग्राम है और 250 ग्राम के करीब ही सूजी है। सूजी 200 ग्राम होगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स है, काजू और बादाम, और ये अगर ज़्यादा लगेगा तो इसको डाल लेंगे। साथ में ही मैंने ग्राइंड करके शुगर रख लिया है। तो इन सबको मिला लेंगे और हमारा गुजिया का जो फिलिंग है वो भी रेडी हो जाएगा। मेथी वाली मट्ठियों को बनाने के लिए मैंने 20 मिनट के बाद इसका आटा निकाल लिया है। और इसको बनाना काफ़ी आसान है, ना कटिंग करना है ना बेलना है, बस इसको छोटी छोटी लोइयां काट लेना है और उसके बाद ये देखिए रोल सा कर लेंगे आप आटे को, और इसके बाद ऐसे इक्वल पीस में आप कट कर लेंगे जिससे सारी मट्ठियों का जो साइज़ होगा वो लगभग सेम बनेगा। और बस उसको हथेलियों पे आपको बीच में रखना है, कोई भी इसको शेप नहीं देना है, बस ऐसे दबाना है और ये आपकी मट्ठियाँ रेडी होती चली जाएंगी। एक और ट्रिक से भी आप बना सकते हैं इसको, ऐसे देखिए थाली पे ही ऐसे चपटा करके रख लें और ये देखिए मट्ठियाँ हो गई आपकी फटाफट से रेडी। मट्ठियों को तलने के लिए भी एक खास टिप है जिसके साथ आपकी मट्ठियाँ एकदम मार्केट जैसी फूली फूली सी बनेंगी, खस्ता बनेंगी। तो हमें गैस को लो रख के एकदम हल्के गरम तेल में ही इनको डालना है, देन 2 मिनट इनको पड़े रहने देना है। उसके बाद आपको हाई फ्लेम करना है 2 मिनट के लिए और फिर लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। और ये देखिए मैं कंटिन्यू इसको चला रही हूँ ताकि ये हर तरफ से अच्छे से सिक जाए और कुरकुरी बने और साथ में जो इसके डो का लेयर था वो खुल के आए। और ये हो गई, उसके बाद आपको मट्ठियों को एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए तलना है। और ये हो गई हमारी कुरकुरी सी क्रिस्पी सी मेथी वाली मट्ठियाँ घर पे ही रेडी। अब हम आगे बनाएंगे मसाले वाले नमक पारे। और ये जो मैं कुकी कटर लाई थी उसी से सेप कट कर रही हूँ और मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद आता है। और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो ऐसा कुकी कटर आप मार्केट से ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे सेप सी कटी हुई चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत चाव से खाते हैं। से मैंने कट करके बनाए हैं कुछ शेप्स वाले। ये फ्लावर है, ये हार्ट शेप का है, ये स्टार शेप का है और राउंड शेप का भी है। तो अब कुछ इस टाइप की मट्ठियों को बना लेते हैं जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी लास्ट टाइम मैंने बनाया था। तो और
इसमें इनको अभी तल लूँगी, देन इसमें इसको बनाऊंगी मैं मसाला वाला। और कल जो बनाई थी वो बनाई थी प्लेन मट्ठियाँ, तो ये रहेगी मसाला वाली मट्ठियाँ। मसाले में क्या क्या डालूंगी, और ये है इसका मसाला जिसमें है काला नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है, थोड़ा सा चाट मसाला है, आमचूर पाउडर है, और पुदीना का पाउडर है, पुदीना की सूखी पत्तियां हैं जिसको मैंने घर पे ही पुदीना पाउडर में कन्वर्ट किया है। तो ये मसाला इसमें, और हाँ काला नमक भी है, तो साथ में इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें एक दो बूंद हल्का सा तेल के छींटे डाल देंगे, गरम तेल के, जिससे मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा। रेडी हो गया है बनके मसाले वाला नमकीन, या मसाले वाले नमक पारे, चटपटे नमक पारे। अगर आप दही बड़े बना रहे हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि उसको हम ज़्यादा देर तक फेंटे, तो आप इसमें इनो डाल सकते हैं एक पैकेट, जिससे आपके दही बड़े बहुत फूले फूले से बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दही बड़े हों या दही भल्ले हों मार्केट जैसे गोल गोल से शेप के बने, तो आपको तेल को एकदम लो फ्लेम पे रखना है, तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आप उसमें बड़े डालें और थोड़ी देर इसको फूलने के लिए टाइम दे दें। देन थोड़ी देर में इसको, ये देखिए, एकदम आराम से पलटना है ताकि इनका जो शेप है वो बिगड़े नहीं, और इसके बाद 2 मिनट के लिए रखना है फ्लेम को हाई, जिससे ये अपने कलर को ले लेते हैं, गोल्डन से हो जाते हैं। देन आप 2 मिनट के बाद लो फ्लेम कर दें ताकि ये अंदर से भी पक जाए। दो चीज़ों के बिना ना होली अधूरी ही होती है, एक हो गया गुजिया और दूसरे हो गए दही बड़े। तो दही बड़े तो नहीं, इस बार बना रही हूँ दही भल्ले। दही बड़े और दही भल्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है, दही बड़ा जो होता है वो स्पाइसी होता है काफ़ी, और जो दही भल्ले की जो दही होती है वो मीठी होती है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है, और कैसे बनाते हैं वो तो मैं आगे बताऊंगी कि दही भल्ले कैसे बनाते हैं। दोनों के बड़े एक्चुअली में सेम तरीके से बनते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है, क्योंकि दही का टेस्ट अलग होगा तो जाहिर सी बात है अलग ही टेस्ट होगा। बड़ों को तलने के बाद थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे देन ठंडा होने के लिए। देन हम एक बोल में नॉर्मल सा पानी ले लेंगे और उसमें 5 मिनट के लिए बड़ों को भिगा के छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद बस इसको देखिए ऐसे हल्के हाथ से उठा के एक आपको किसी भी कंटेनर में रख लेना है, और इसमें दही को अभी नहीं डालना है। दही को कैसे डालना है वो आगे देखिए। भल्ले में जो दही होती है वो मीठी होती है, तो मैंने यहाँ 1/2 kg दही ले लिया है, जिसमें मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ा कम चीनी डाल सकते हैं। देन इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, इसमें चीनी के अलावा हम कुछ भी नहीं डालेंगे, और ये देखिए इसका टेक्स्चर ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं अगर आपका दही ज़्यादा गाढ़ा है तो, और एकदम ऐसा ही थिक सा दही होना चाहिए। और ये देखिए भल्लों को रखेंगे हम प्लेट में और इस पर डालेंगे दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरे का पाउडर मींस भुने जीरे का पाउडर, काला नमक से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, और फिर इसको टेस्ट करिए, आपके दही भल्ले रेडी हैं। एकदम मार्केट जैसा टेस्ट और सॉफ्ट बने हुए दही भल्ले हैं। थोड़ा सा मैं टोमेटो सॉस भी डाल रही हूँ, और ये देखिए इस टाइप से होली में ज़रूर बनाइए, घर पर सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। असली रंग
तो गुजिया के साथ ही जमता है, क्योंकि होली में जितना रंग जरूरी होता है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है गुजिया। तो चलिए रंगों की होली में गुजिया बना लेते हैं। तो इस बार मैं बनाने वाली हूँ जैसा मार्केट में मिलता है चाशनी वाली गुजिया। तो इसका जो चाशनी बनना है ना वो ही ट्रिक का काम है, क्योंकि गुजिया तो नॉर्मल तरीके से बन गई। हाँ, इस गुजिया में थोड़ा सा जो फिलिंग्स होता है उसमें मीठा कम रखते हैं, चीनी कम डालते हैं, क्योंकि चाशनी भी ऑलरेडी मीठी होती है। तो एक कटोरी चीनी ली है मैंने, एक कटोरी पानी लिया है और इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे। तब तक जब तक ये पक रहा है तब तक मैं ये गुलाब जामुन मिक्स है मेरे पास, तो ये है 1/2 kg का गुलाब जामुन मिक्स। तो इसको मैं इसका डो बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए, इसमें एक स्पेशल टिप ये है चाशनी में कि हमारी चाशनी नॉर्मली क्या होती है कि जम जाती है, जैसे ही गुजिया सूखता है वैसे ही उसकी चाशनी वाइट वाइट सी उस पर हो जाती है। तो अगर हम चाशनी में उबाल आने के बाद आधा नींबू का रस डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिला दें तो जब हमारी चाशनी सूखेगी तो वो जमेगी नहीं, वाइट नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट ही रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गुलाब जामुन मिक्स और इसको अब हम हल्के गुनगुने दूध के साथ इसका लसलसा सा डो बना लेंगे। इसका एकदम चिकना डो नहीं बनता है, तुरंत जब हम इसको छोड़ देते हैं 15-20 मिनट के लिए तब अपने आप ये सेट हो जाता है। देखिए, गुजिया को मैंने डाल दिया है चाशनी में और ये साइड साइड से चाशनी निकाल के हम सारी गुजियों पे डालते रहेंगे और एकदम हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। और सारी चाशनी लगभग सूख चुकी है लेकिन हमारी गुजिया का जो स्ट्रक्चर है वो वाइट वाइट सा नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने चाशनी में नींबू का रस डाला था। और ये देखिए, एकदम मार्केट स्टाइल में हमारी चाशनी वाली गुजिया बन के रेडी है। तो इस बार बनाइए चाशनी वाली गुजिया और घर पर खिलाइए सभी को। गुलाब जामुन का जो डो है वो भी सेट हो गया है और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। हाथ में ज़रा सा तेल लगा लें ताकि आपके हाथ में ये चिपके ना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है। और इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना के उसको हाथ से एकदम राउंड शेप दे देंगे। ध्यान रखना है इसमें कि आपके जो लड्डू बन रहे हैं इसके उसमें बिल्कुल भी दरार ना हो, अदरवाइज़ ये फट जाते हैं। गुलाब जामुन को तल लेते हैं एक स्पेशल टिप के साथ। गुलाब जामुन को हमेशा लो फ्लेम पे तलना है और एक बार में आपको पूरी कढ़ाई भर के गुलाब जामुन नहीं डालना है, थोड़े से ही डालना है, क्योंकि ये तेल में जाते ही फूल जाते हैं। साथ ही साथ इनको कंटिन्यू चलाते भी रहना है, क्योंकि ये थोड़ी देर छोड़ने पर ही जलने लगते हैं और कंटिन्यू चलाने से ही ये आपके गुलाब जामुन अंदर तक पकेंगे। दूसरे साइड मैं चाशनी भी बना रही हूँ, तो जो इसकी चाशनी होती है वो एक 2 कटोरी मैंने चीनी लिया है, 2 कटोरी ही पानी लिया है और इसकी चाशनी बस हल्की सी स्टिकी सी होती है। ज़्यादा ये 1 तार या 2 तार की ऐसी कोई चाशनी नहीं होती है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि गुलाब जामुन या चाशनी दोनों में से एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। गुलाब जामुन ठंडे हो जाए देन ही उसको गर्म चाशनी में डालिए। और ये देखिए गुलाब जामुन कितने फूल गए हैं और मार्केट के स्टाइल में गुलाब जामुन बहुत रेडी हो गए हैं। तो एंजॉय करिए इस होली में ढेर सारी स्वीट डिश, ढेर सारे चटपटे डिश, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा है और कौन कौन सी डिश आपने ट्राई किया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में होली के ब्लॉग के साथ। आप सभी को हैप्पी एंड सेफ होली, खूब इंजॉय करें, खूब अच्छे से होली मनाएं।